30 जून विंध्य प्रदेश के लोगों के लिए काफी खुशी और गौरव का दिन होगा, क्योंकि इसी दिन रीवा के लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी भारतीय सेना के प्रमुख के रूप में शपथ लेंगे। इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब थल सेना और नौसेना दोनों ही सेना के प्रमुख एक ही क्षेत्र से होंगे। दरअसल वर्तमान में भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी है, जो कि मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र से ही ताल्लुक रखते हैं। इतना ही नहीं, दोनों रीवा के सैनिक स्कूल के पूर्व छात्र रह चुके हैं और दोनों ही बचपन के मित्र भी हैं। ये रीवा सैनिक स्कूल के लिए बड़े गर्व की बात है कि दोनों ही सेना और नौसेना प्रमुख रीवा के सैनिक स्कूल के पूर्व छात्र रह चुके हैं। ऐसा पहली बार नहीं जब रीवा सैनिक स्कूल ने देश को जाबाज और वीर अधिकारी दिए हो, बल्कि स्कूल के पूर्व छात्रों में कई राजनेता, नौकरशाह, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार, व्यापारी और कई सैन्य नेता शामिल हैं। करीब 800 के करीब हमारे स्कूल के अधिकारी, जो कि भिन्न भिन्न पदों पर हैं सैन्य में, सेना में, और वे जो है अपने अपने कार्य क्षेत्र में जो है अपनी ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। और सैनिक स्कूल विंध्य की शान है और मध्य प्रदेश की जो है आन है, तो उसने जो है अपने कार्य में कोई भी कसर नहीं छोड़ रखी। इनसे पहले हमारे दो जो है सैन्य लेफ्टिनेंट जनरल एके सिंह, जो कि सदर्न आर्मी कमांडर थे, और नदन आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल केटी पारनायक। वर्तमान में केटी पारनायक सर जो हैं वो अरुणाचल के गवर्नर, और लेफ्टिनेंट जनरल एके सिंह पूर्व में जो है पांडिचेरी के जो है वो गवर्नर रह चुके हैं। सफेद शेरों की नगरी रीवा की अगर बात करें तो इसका एक अलग ही इतिहास है। इसकी शान अब भी बरकरार है, लेकिन रीवा की विरासत के अलावा इसकी एक और शान है, और वो है सैनिक स्कूल रीवा। सैनिक स्कूल रीवा के परिवार को सेनवा परिवार कहा जाता है, साथ ही स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को सैनविनियन कहते हैं। सफेद शेरों की भूमि में बना ये विद्यालय 274 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। स्कूल का मुख्य उद्देश्य लड़कों को भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए तैयार करना है। स्कूल लड़कों को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और भारतीय नौसेना अकादमी में प्रवेश के लिए तैयार करता है। बच्चे तो शब्द हम यूज नहीं करते, हम कैडेट इसीलिए कहते हैं, और कैडेट शब्द तभी यूज होता है जब वो दे आर बीइंग प्रिपेयर्ड टू ज्वाइन द आर्मी। They are making officers. They are in making. They are in the process of making the officers. So it's why we call them cadets. So they follow a very gruesome routine. In the morning, they leave their bed at 5. After that, after wash and change, they move to PT. PT के लिए जाते हैं. फिर आते हैं अपना, फिर वॉश एंड चेंज के बाद वो फिर आते हैं ब्रेकफास्ट, और फिर स्कूल की एकेडमिक्स चलती है, स्पोर्ट्स में जाते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, वेरियस स्पोर्ट्स एक्टिविटीज आर देयर, यू टेक अ नेम एंड स्पोर्ट्स इज देयर इन द स्कूल, एंड दे रिप्रेजेंट द स्कूल आउटसाइड ऑफ द स्कूल ऑल्सो, एजुकेशनल टूर्स, अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज, कॉन्स्टेंट मीटिंग एज वेल एज लेक्चर्स फ्रॉम डिफेंस पर्सनल टू गाइड एंड ग्रूम द कैडेट्स, दोज हु आर सर्विंग एंड रिटायर्ड बोथ, तो इट हेल्प्स टू ग्रूम द पर्सनैलिटी ऑफ अ कैडेट टू बिकम अ जेंटलमैन ऑफिसर। सो इट्स वाई एनी वन हु इज गोइंग टू द सिविल एरिया ऑल्सो दे आर साइनिंग देयर, इवन यू विल फाइंड अ डिफरेंस between two person having same designation, same sort of designation, one from Sainik school and one from other schools. So this is the basic difference from other schools than the Sainik schools. Sainik school Rewa की स्थापना 20 जुलाई 1962 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की गई एक ऐतिहासिक इमारत युवराज भवन के साथ विशाल संपत्ति में की गई थी। ये भव्य महल रीवा रियासत के युवराज पूर्व महाराजा मार्तन सिंह जूदेव का था। प्रिंसिपल लेफ्टिनेंट कर्नल आरआरआर नारंग के गतिशील नेतृत्व में संस्थापक सदस्यों की टीम ने 20 जुलाई 1962 को व्हाइट टाइगर्स की इस भूमि पर स्कूल की स्थापना के लिए कड़ी मेहनत की, जिसके बाद रीवा में सैनिक स्कूल की शुरुआत हुई। सैनिक स्कूलों को सन 1962 में एक उद्देश्य के साथ जो है खोला गया था, कि जिससे क्या है कि जो
निचले तबके के हैं या मध्यम वर्गीय लोग जो हैं वे मुख्य धारा में जो है सेना में जो है उन्हें प्रवेश दिलाया जाए, और उसके लिए जो है सैन्य स्कूल जो है अपने कार्य में जो है बहुत ही अच्छा अहम योगदान दिया है। क्योंकि एक शिक्षक का, एक सामान्य कर्मचारी का बच्चा या फिर किसी कंपाउंडर का भी, वो जो है उच्च से उच्च पद पर जो है पहुँचे हैं, तो सैन्य स्कूलों ने जो है अपना काम किया है जिस उद्देश्य के साथ जो खोले गए। 274 एकड़ में फैले इस विद्यालय की इमारत काफी अनोखी है। विद्यालय में स्थित 150 साल पुराना राजभवन छोटे बच्चों के लिए हॉस्टल का काम करता है। लवकुश, ध्रुव, एकलव्य, भरत और अभिमन्यु हाउस युवराज भवन में स्थित है। सीनियर कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग 5 इमारतें बनाई गई हैं। चंबल हाउस, नर्मदा हाउस, बेतवा हाउस, विंध्य हाउस और सतपुड़ा हाउस इसी के भाग हैं। सभी छात्रों के लिए कक्षा कक्ष, 50 कंप्यूटर वाला एक आईटी केंद्र, प्रयोगशालाएं, सभागार, पुस्तकालय, स्टाफ रूम, कला कक्ष, ऑडियो विजुअल कक्ष, लकड़ी, धातु और विद्युत कार्यशाला, एनसीसी कार्यालय और शस्त्रागार आपातकालीन देखभाल कक्ष है। सैनिक स्कूल छात्रों को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और भारतीय नौसेना अकादमी में प्रवेश के लिए तैयार करता है, इसलिए स्कूल का वातावरण भी उसी के अनुसार बनाया गया है। सैनिक स्कूल रीवा का प्रशासन भारत के रक्षा मंत्रालय के तहत सैनिक स्कूल सोसाइटी नामक एक स्वायत्त निकाय द्वारा किया जाता है। सैनिक स्कूल सोसाइटी का नेतृत्व रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स करता है। कुछ लोग कहते हैं कि ऑफिसर्स की फैक्ट्री है, और इंडीड ये ऑफिसर्स की फैक्ट्री है ये स्कूल। पहले भी यहाँ से बड़े नामचीन ऑफिसर्स निकले हैं, हालांकि इस पोजीशन को पाने वाले अभी आप दोनों ही हैं। इसके बहुत नज़दीक हमारे एक सुपर सीनियर थे जनरल केटी परनायक, वो नॉर्दर्न आर्मी कमांडर रह चुके थे, अभी अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर हैं। उनका भी काफ़ी लाइकलीहुड था कि वो आर्मी चीफ बने, लेकिन ऐसा हो ना सका कुछ कारणों से, और अभी ये हम लोगों की खुशकिस्मती है और ये एक हिस्टोरिकल मोमेंट है। ऐसा होना शायद आगे कभी भी संभव नहीं होगा कि एक ही स्कूल के क्लासमेट्स, एक ही क्लास के पढ़े हुए और दो क्लासमेट्स जो हैं वो आर्मी और नेवी चीफ हैं एक कंट्री के, वो भी इंडिया जैसी कंट्री के। स्कूल ने शुरुआत से लेकर अब तक लगभग 950 अधिकारियों का योगदान दिया है। बात करें रीवा सैनिक स्कूल के पूर्व छात्रों की, तो अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केविन त्रिविक्रम परनाई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व सदस्य सत्यव्रत चतुर्वेदी और सुंदरलाल तिवारी, भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के पूर्व जनरल ऑफिसर AK सिंह, वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, सभी सैनिक स्कूल रीवा के पूर्व छात्र रह चुके हैं। इतना ही नहीं, स्कूल के पूर्व छात्रों को 3 वीर चक्र, 3 शौर्य चक्र, 4 सेना पदक और कई विशिष्ट सेवा पदकों से सम्मानित किया गया है।